नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स, और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, कैंसर हमारी 21वीं सदी की एपिडेमिक यानी महामारी है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में हम डे बाय डे देख रहे हैं, इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और क्लासिकली यदि हम जाए 15-20 साल पीछे जाए तो इसको एक लाइलाज या इनक्योरेबल बीमारी माना जाता था, और माना जाता था कि पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है और सर्वाइवल शॉट माना जाता था। पर फॉर्चुनेटली मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च ने, मॉडर्न साइंस ने कैंसर को बीट करने वाली बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज दी है, जिसकी वजह से आज के दिन कैंसर पेशेंट हाई क्योर रेट एंड लॉन्ग सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकता है विदाउट मेजर टॉक्सिसिटी। तो एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारा मेन काम होता है कैंसर का इलाज दवाइयों से, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम डील करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन मेजर मोडालिटीज है, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो हार्मोन थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो कैंसर हार्मोन सेंसिटिव होते हैं उनमें बॉडी के अपने हार्मोन सिस्टम को एडजस्ट करके बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए और किल किया जाए। टारगेटेड थेरेपी वो दवाइयाँ होती है जो जिस कैंसर में नॉर्मल सेल से उसको एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने वाली जेनेटिक डैमेज है, उस जेनेटिक डैमेज को स्पेसिफिकली टारगेट करके सिर्फ उन कैंसर सेल्स को किल किया जाए। और इम्यूनोथेरेपी वो टेक्नोलॉजीज है जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है ताकि वो खुद जाके कैंसर को किल करे और पेशेंट का क्योर रेट और सर्वाइवल बढ़ाए। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से, इनफैक्ट जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है वो कहती है कि आज के दिन 2/3 कैंसर पेशेंट्स का जड़ से इलाज हो सकता है, और जिनमें जड़ से इलाज नहीं होता उनमें लॉन्ग और हेल्दी सर्वाइवल एक्सपेक्टेड है। तो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मेरी होप यही है कि एवरी कैंसर पेशेंट कैरीज होप इन हिज हार्ट और विशेज फॉर अ क्योर एंड हैज़ अ लॉन्ग एंड वेरी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।